मेकर हैं उनकी बहुत सारी, जबकि वो मराठी में फिल्में बनाते हैं बट उन फिल्मों का रीच इंटरनेशनल लेवल पे फेस्टिवल्स पे होता है. मैंने उनकी कुछ फिल्में देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद आई एंड आई थॉट इट वाज जस्ट अ फिल्म दैट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ. इन द फिल्म ऑल्सो जो मेरा कैरेक्टर है इट्स एन एक्ट्रेस, मैं एक एक्ट्रेस प्ले कर रही हूँ जो कि अब मुंबई से पुणे ट्रैवल कर रही है. बहुत छोटा सा रोल है, इट्स जस्ट समथिंग आई डिड एज एज परफॉर्मेश. इसमें कोई कमर्शियल या कोई और इसमें वो नहीं था. इट वाज जस्ट समथिंग, इट्स अ गुड फिल्म एंड आई वांटेड टू हेल्प आउट एज मच एज आई कैन टू मेक दिस फिल्म एज पॉपुलर एज इट कैन बी. लैंग्वेज इस फिल्म की लैंग्वेज मराठी है पर इसकी जो सोच है वो इंटरनेशनल है. मुझे ये वर्ल्ड फिल्म लगती है, मराठी फिल्म लगती नहीं है. और जब उमेश ने मुझे इसकी कहानी सुनाई तो मुझे लगा ओ माय गॉड फैंटास्टिक, हाउ लकी आई एम दैट उन्होंने मुझे चूज किया इस पात्र के लिए. मैं हर फिल्म को एक ही तरह से अप्रोच करता हूँ और वो है डायरेक्टर का विजन, जो डायरेक्टर जो कहानी कहना चाह रहा है और वो किस तरह से उस कहानी को म्यूजिकली देख रहा है वो मैं आई ट्राई टू पिक हिज ब्रेन फ्रॉम दैट. और उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से उसका उस सिचुएशन को उस विजन को इंटरप्रेट करता हूँ.